जी सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह, स्टील मैन ऑफ इंडिया मुझे कहते हैं, और मेरे पास स्टील मैन ऑफ इंडिया का कई चैनलों से अवार्ड है, और जल्द ही परमात्मा की कृपा से मैं स्टील मैन ऑफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाला हूँ। कल आप बचना में जो कार्यक्रम करने वाले हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा, उसमें क्या कुछ विषय कुछ दिखाया जाएगा? हाँ सर, नगर कीर्तन में पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, 6 साल पहले, तो मैं जहाँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह गुरुपुरब मनाया जा रहा है मुझे वहाँ पे बुलाया है, और मैं सब जगह अपनी पावर का प्रदर्शन कर चुका हूँ। तो उसमें हम ये चीज़ दिखाते हैं कि आदमी कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर वो चाहे मेहनत करे। तो मैं वहाँ पर कल बसना में अपने जो 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो दिखाने जा रहा हूँ, और हैवी से हैवी स्टंट करके दिखाऊंगा, जो जिसके करके मेरे को स्टील मैन कहा जाता है, और जिसके करके मेरा नाम इंग्लैंड की बुक में 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मैं रिकॉर्ड वहाँ पर दिखाऊँगा। आप विश्व में हर जगह घूम रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है लोगों के बीच? हाँ जी, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अपने देश इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाना है, इंडिया की पावर को पूरी दुनिया को दिखाना है, और पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में अब नशा बहुत फैल चुका है, तो नौजवानों के पास कोई आगे मंजिल नहीं समझ आ रही क्या करे क्या ना करे। तो मैं चाहता हूँ कि हर गेम में मैं नौजवानों को ले जा भी रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक अकेडमी भी है जो मैंने ओपन की है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एनीथिंग मुझे कोई हेल्प नहीं है, पर फिर भी मैंने परमात्मा की कृपा से शुरू करी है अकेडमी, मेरे पास 150 स्टूडेंट हैं। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में मैं उनको फिटनेस की ट्रेनिंग देके उनको स्ट्रॉन्ग बना सकूं, ताकि वो एक गेम में जाके अपना कैरियर और अपने देश का कैरियर बना सके। कल बसना में कुछ ओपन चैलेंज होने वाला है, क्या चैलेंज है, उसकी रूपरेखा क्या है? हाँ जी, मेरा ओपन चैलेंज इंडिया में बसना में को छोड़कर पूरे ऑल वर्ल्ड को मैंने दिया हुआ है, मेरे कई चैनलों पे आ चुका है, कोई भी मुझे हिट पंच कर सकता है, लीवर एनीथिंग किसी पर भी, और ओपन चैलेंज है 1 मिनट के लिए कोई भी मुझे पंच मार सकता है, क्योंकि स्टील मैन ऑफ वर्ल्ड का खिताब जीतने के लिए मुझे ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मैं जीत भी चुका हूँ, और जल्द ही आपको उस ओर नज़र आएगा। आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एनर्जी तो ऐसा होता है, एक तो मेरी डेली की 6-7 आवर की ट्रेनिंग है, प्लस मैं हार्ड वर्क करता हूँ, 3000 जिस एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि 3000 मैं डेली पुशअप करता हूँ। तो ऐसे वेट ट्रेनिंग है, बॉक्सिंग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है, योगा है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजें हैं, जो मेरी इतनी हार्ड ट्रेनिंग है उस करके। और मेन कारण क्या होता है, आपका मन स्ट्रॉन्ग होना, आपका दिल, विल पावर, एंड आप में दिलेरी होनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस, दिलेरी, और सबसे लास्ट, सबसे मेन और लास्ट, परमात्मा का आशीर्वाद। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा परमात्मा पे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है परमात्मा पे, क्योंकि मैं एक अच्छे काम के लिए घर से निकला हूँ। मेरे को है कि मैंने नौजवानों को नशों से दूर करना, अपने देश के लिए सोच रहा हूँ, मैं किसी के लिए नौजवानों को आगे ले जाने की सोच रहा हूँ, ताकि उनके भविष्य के लिए सोच रहा हूँ। तब मैं ये पावर वाली चीज़, जब इंडिया की ताकत दिखाना के लिए मैं पूरे वर्ल्ड में सोचता हूँ, तो मेरे पास परमात्मा अपने आप ही मेरे अंदर पावर भरता है, और मुझे कुछ भी नहीं होता। ये सब परमात्मा की कृपा है, क्योंकि आपका मकसद एक सही होना चाहिए, तो आगे हेल्प परमात्मा अपने आप करता है। जी, और आप सर डाइट में क्या क्या लेते हैं? सर डाइट मेरी अभी वेजिटेरियन है, प्योर, और डाइट मेरी नॉर्मल है, मैं कोई स्टेरॉइड वगैरह यूज़ नहीं करता, क्योंकि नेचुरल जो बॉडी होती है वो लाइफ टाइम चलती है। खुराक आपकी बाद में काम करती है, पहले आपकी मेहनत काम करती है। आजकल नौजवान क्या करते हैं, मेरे पास प्रोटीन नहीं है, मेरे पास 15-20 हज़ार तनख्वाह नहीं है, फलाना नहीं है, तो इस चीज़ों सोचने करके वो एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करें, मैं खुराक, मजदूर को देखो, एक मजदूर एक एक क्विंटल बोरी को उठा के कहाँ कहाँ फेंक देता है। तो मजदूर के पास क्या होता है, रोटी खाता है, रोटी में बहुत ताकत है, चनों में बहुत ताकत है, तो अमरूद सेब के मुकाबला करता है, जो मूंगफली है वो बादाम का मुकाबला करती है। खाने वाले का दिमाग होना चाहिए कैसे, जिस हिसाब से, जिस पोजीशन में मैं होता हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि हम सिर्फ रोटी खाते थे, अब परमात्मा की कृपा से पैसा भी, अब हम और चीज़ें भी खा सकते हैं। पर हिम्मत और ट्रेनिंग मेन चीज़ आपके साथ चलनी चाहिए, खुराक मायने नहीं रखती, खुराक परमात्मा अपने आप आपको प्रोवाइड करेगा, अपने आप आ जाएगी जब आप मेहनत के लिए घर से निकलोगे। एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आप चैनल्स वालों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया में से नेशनल ज्योग्राफी के लिए मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, और मेरे को सिलेक्ट हो चुका हूँ, प्लस मेरी शूटिंग भी हो चुकी है, शूट हो चुका है, और अप्रैल या मई के अंदर ऑल वर्ल्ड में टेलीकास्ट होगा। नेशनल ज्योग्राफी आप सब जानते हैं, वहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल चीज़ों को लिया जाता है, बहुत बड़ा चैनल है जिसमें डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी सब पे मैं आने वाला हूँ, मेरा शूट हो चुका है। वो क्या चीज़ है, वो एक वर्ल्ड लेवल का शो है, जिसमें सिर्फ वही उसने को लिया जाता है जो रियल है। तो उसमें से इंडिया में से स्टील मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन का अवार्ड 60-70% सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक को मिलना था, वो परमात्मा की कृपा से आप सब जनता के प्यार करके मैं वो जीत चुका हूँ, और वो अप्रैल में बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री के तौर पे नेशनल ज्योग्राफी पे आने वाला है। यही मेरी सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और इसको शूट करने कौन आया है,
वर्ल्ड का नंबर वन स्टंटमैन, वर्ल्ड का नंबर वन मजिशियन फ्रॉम यूएसए, डेविड ब्लेन। आप नेट पे सर्च करेंगे, डेविड ब्लेन एक ऐसा बंदा है जो एक शो का $50 मिलियन लेता है। उसको शो देखने के लिए 50-60 हज़ार बंदा उसके शो में आता है। आप यूट्यूब पे, नेट पे, कहीं भी देख सकते हैं। वो बंदा इस शो को प्रेजेंट कर रहा है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया है, और वहाँ उसने आके मुझसे बोतल तोड़नी कैसे तोड़नी सीखी है। इंडिया में स्टील मैन से, मेरे से बोतल तोड़नी कैसे सीखनी है वो उसको मैंने सिखाया है, और उनसे मैंने बहुत नॉलेज लिया है। और उसने अपने अपने तरफ से सामने से कहा है कि वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग मैन है फ्रॉम न्यूयॉर्क यूएसए से, तो दूसरा स्ट्रॉन्ग मैन मैंने आपको देखा है, तो आप मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हो और आप वाकई ही वर्ल्ड स्टील मैन हो। तो ये मुझे उन्होंने उपाधि दी है, और वो जल्द ही अप्रैल में ऑल वर्ल्ड ऑल चैनल्स में टेलीकास्ट होगा। तो थैंक यू, ये सब अपने इंडिया का नाम रोशन करने के लिए मैं कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर लव।